दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपके पास जो सैमसंग का फोन है वो कोरियन वर्जन है कि नहीं। उसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि जो ओरिजिनल वर्जन है सैमसंग का और जो कोरियन वर्जन है उसके बीच में क्या अंतर होता है। तो काफी वीडियो नॉलेजफुल होने वाले, तो वीडियो को पूरा देखेगा। तो मैं वजन से आप देख हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। देखिये दोस्तों, जो सैमसंग है वो 6 जगह उसके फोन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 6 देशों के अंदर वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फोन को, जैसे कि चाइना, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील और दोस्तों कोरिया के अंदर उसके फोन का मैन्युफैक्चर होता है। सैमसंग जो है वहाँ की ऑडियंस, वहाँ की जो भी खरीदार है, वहाँ की जो भी रीजन है, उसके हिसाब से दोस्तों उसके फोन की स्पेसिफिकेशन और काफी सारी ऐसे चीजें मायने रखकर उसको डिसाइड करता है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों जो कोरिया की पब्लिक है वो एज कम्पेयर टू जो यूरोप और यूएस की जो भी पब्लिक है उससे काफी हद तक गरीब है। अब दोस्तों ये जो गरीब है इसीलिए दोस्तों सैमसंग ने क्या किया, वहाँ के जो भी कोरियन वर्जन होते हैं वो काफी ऐसे चीप रखे जाते हैं, उसकी प्राइस काफी कम होती है एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल वर्जन होता है उसके अलावा। तब दोस्तों ये जो प्राइस कम है वो वहाँ की पब्लिक के लिए रखी जाती है। उसके अंदर दोस्तों प्राइस कम ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन उतनी ही दी जाती है, कुछ स्पेसिफिकेशन को काट दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों वो प्राइस कम होती है। अब दोस्तों जो कोरियन वर्जन होते हैं वो वहाँ के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब दोस्तों ये बात हो गई कि कोरियन वर्जन क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोरियन वर्जन और ओरिजिनल वर्जन के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, जो ओरिजिनल वर्जन होता है उसके अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशन डिसाइड की गई थी वो सारी की सारी होती है। उसके साथ साथ दोस्तों जो भी प्राइस होती है वो अच्छी हाई होती है एज कम्पेयर टू कोरियन फोन, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिकेशन कम थी। अब दोस्तों जो मेन डिफरेंस आता है वो सॉफ्टवेयर का आता है। क्या दोस्तों, जो भी कोरियन फोन होते हैं वो सिर्फ वहीं पे चलेंगे, उसके अंदर ऐसे कैरियर और बैंडविड्थ होते हैं जो देश के हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं। अब दोस्तों जो इंडिया के अंदर ये फोन नहीं चल पाएंगे, देखिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर फोन अभी कैसे चल रहे हैं। अब दोस्तों जो ये फोन है उसके अंदर काफी सारे से ब्लॉटवेयर होते हैं, उसको जो अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता जब तक वो फोन को रूट ना किया जाए। अब दोस्तों जो इंडिया के अंदर जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं कि जो ये ब्लॉटवेयर होता है उसको फोन को रूट कर देते हैं, उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग की उसको डाल देते हैं और दोस्तों उसको ओरिजिनल सैमसंग और इंटरनेशनल वर्जन की तरह उसको बेच देते हैं, सस्ते में लाते हैं और महंगे में बेचते हैं, मतलब उनका अच्छा खासा नफा हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों शॉपकीपर आपको बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपको अब क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, आपको कैसे चेक करना है कि वो एक कोरियन वर्जन है। उसके पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस मंथ के अंत तक हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोरियन वर्जन चेक कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, अभी जो आपके फोन हाथ में जो सैमसंग फोन है या फिर आपके पास एक सैमसंग फोन है तो उसे कैसे चेक किया जाए वो ओरिजिनल वर्जन है कि नहीं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक फोन इनको जो स्क्रीन पर आप एप्लीकेशन दिख रहा होगा उसको डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपका फोन कहाँ बना था। दोस्तों कोरिया में बना होगा तो मेड इन कोरिया दिखा देगा, और दोस्तों आपका फोन न्यू है या फिर उसको पुराना फोन को नए बना के आपको चिपका दिया गया है उसके बारे में भी आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप इसी तरह से आसानी से जान सकते हैं कि वो कोरियन वर्जन है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अब दूसरी भी एक ट्रिक है कि जिस फोन की बैटरी निकल रही हो तो वो उसके जो बैटरी निकल के आपको इस तरह का जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा आइकन दिखता है तो वो कोरियन वर्जन है, लेकिन अभी के फोन में बैटरी नहीं निकल रही तो आपको कुछ नहीं करना, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से कुछ आप आसानी से कोरियन वर्जन और ओरिजिनल वर्जन के बीच में अंतर देख सकते हैं और आप कोरियन वर्जन को खरीदने से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोरियन वर्जन में एक मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जो भी कोरियन वर्जन आते हैं वो वहाँ की बैंडविड्थ और वहाँ के कैरियर के मुताबिक भी उसको बिल्ड किया गया होता है, मैन्युफैक्चर किया गया होता है, तो वो यहाँ पे नेटवर्क काफी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये एक रीजन है, एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोरियन वर्जन की। और दोस्तों अगर आपको वो ब्लॉटवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको ये नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आपको एक कोरियन पीस के साथ जाए। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च कर लीजिए लेकिन ओरिजिनल और जो भी एक इंटरनेशनल वर्जन है उसके साथ जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।